कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का उपयोग कर रही हूँ। ये लगभग 2 कटोरी आटा लिया है मैंने और इसे अब हम छान लेते हैं। ये पूरी तरह से अब छनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर मैंने मलाई से बना हुआ मावे का यूज़ किया है। मलाई से जब हम घी बनाते हैं तब आखिरी में हमें इसे कम पकाना है और जब गुलाबी रह जाएगा मावा तभी गैस बंद कर देना है और इसे अब हम छान लेते हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर गुलाबी मावा आ गया है और नीचे घी अलग कर लिया है। घी को हम साइड में रख देते हैं और जो बचा हुआ मावा है उसका अब हम उपयोग करेंगे। उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें घी की मात्रा एकदम कम है, इसमें और थोड़ा सा हम घी ऐड कर देते हैं। यहाँ मैंने गुड़ का उपयोग करा है, 1 कटोरी गुड़, क्योंकि हमारा यहाँ पर मावा भी लगभग 1 कटोरी है तो 1 कटोरी गुड़ का यूज़ करा है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते करते ये थोड़ा सा पिघलने लग जाएगा। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमने जो छना हुआ आटा रखा था उसे अब हम इसमें डाल देते हैं। और अच्छे से मिला लेते हैं। इसे एक सार कर लेना है हमें। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालते हैं। ये लगभग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा सोडा, लगभग 1/4 चम्मच, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की गुठलियाँ ना रहें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमें छोटी छोटी कुकीज़ बना लेना है। मैं यहाँ राउंड शेप दे रही हूँ, आप कोई भी शेप में इसे बना सकते हैं। ये कुकीज़ हमारी तैयार हो गई है। इसे हमने एक ट्रे में रख लिया है। हम यहाँ पर 2 तरीके से कुकीज़ बनाने वाले हैं। कुकर लिया है, कुकर में हमने स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर हमने प्लेट रख दी है और इसे लगभग 25 मिनट के लिए एकदम मध्यम आंच पर ही हमें बेक करना है। ये अब हमारी कुकीज़ तैयार हो गई है। अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसमें भी हमने सारी कुकीज़ बनाकर तैयार कर ली है और एक बेकिंग ट्रे में तैयार कर रख ली है।
को मैंने यहाँ पर प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर। ये हमारा 180 डिग्री पर प्रीहीट हो गया है। अब इसमें हम कुकी की ट्रे रख देते हैं और लगभग 15 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारी कुकी तैयार हो गई है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।